Hi everyone, myself Kavita and you are watching my YouTube channel Kavita is here. जैसा कि आपको ज्ञाति है, तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर अन्य परीक्षाओं की भांति CTET 2020 की प्रस्तावित परीक्षा फिलहाल स्थगित हो चुकी है. मैं भी एक दो दिन में इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो पाए. आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से परीक्षा में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नोत्तर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी. तो चलिए कुछ नया जान लेते हैं. इम्पॉर्टेंट वन लाइनर CDP CTET 2020 KBS DSSSV SuperTET मनोविज्ञान के जनक अरस्तु. नेक्स्ट वन इज बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी. नेक्स्ट वन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थ्रॉनडाइक. नेक्स्ट वन अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहाउस. नेक्स्ट वन अधिगम मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स. नेक्स्ट इज प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड. नेक्स्ट वन शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है. किसने कहा? जॉन डीबी ने. नेक्स्ट वन कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, टू पोलर्स प्रोसेस है. किसने कहा? जॉन एडम्स ने. नेक्स्ट वन मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है. किसने कहा? ब्लूम ने. नेक्स्ट वन वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है. किसका कथन है? रूथ बेनेडिक्ट का. नेक्स्ट वन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है. किसका कथन है? वैलेंटाइन का. नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? किस अवस्था के लिए कहा है? शैशवावस्था. नेक्स्ट वन बुद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? आंसर इज वंशानुक्रम और वातावरण. नेक्स्ट वन वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम. नेक्स्ट वन शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? 90%. ओके. नेक्स्ट वन 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है. किसका कथन है? थ्रॉनडाइक का. नेक्स्ट वन सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में. नेक्स्ट वन दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग. नेक्स्ट वन द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन. नेक्स्ट इज अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को. ओके, मोटिवेशन को. नेक्स्ट वन स्कीनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है. नेक्स्ट वन 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है? क्रो एंड क्रोने. नेक्स्ट वन किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था में. नेक्स्ट वन जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? जलोटा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है और इसका पर्टिकुलर एज ग्रुप है 12 से 14 वर्ष 12 to 14 years. नेक्स्ट वन प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? क्रेंच व क्रच फील्ड का. नेक्स्ट वन किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का. नेक्स्ट है किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो जी ने. तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें. तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू एवरीवन.